देखिए, जब भी हम लोग देश के ईमानदार वरिष्ठ पत्रकारों की बात करते हैं और उसमें प्रंजय या परंजय गुहा ठाकुरता को भूल जाएं, ये संभव भी नहीं हो सकता है। आप देखिए, इस समय में, आज के समय में, अगर पत्रकारिता का कोई धर्म निभा रहा है तो इसी तरह के आप देखिए कुछ ही पत्रकार बचे हुए हैं। और इस बात को मुझे लगता है कि आज से 100 साल बाद जब भी इस समय का इतिहास लिखा जाएगा और उसका मूल्यांकन किया जाएगा, तो उस समय आप देखिए कि इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा। और आजकल वैसे ईमानदार पत्रकारों की क्या हालत है आप सभी लोग बेहतर जानते हैं। विनोद दुआ के बारे में आप सभी सुनते होंगे, उन पर देशद्रोही का एक तरह से FIR कर दी गई, समझ रहे हैं आप लोग? और आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक तरह से आप देखिए न्याय दिया और वो अंतिम समय तक अपने लड़ते रहे, बहुत सारी मुसीबतों से जूझते रहे। तो अगर आप सच बोलते हैं आज के समय में, तो आपको भुगतान भी उसका करना पड़ता है। और इसका आप देख रहे हैं कि कई पत्रकार इसका भुगतान कर भी रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि परंजॉय गुहा ठाकुरता के बारे में एक सामान्य जानकारी दे देंगे। इससे क्या होगा कि अगर आपकी इनमें दिलचस्पी होगी जानने की, नहीं तो आप लोगों के पास काफी अच्छी जानकारी बनी रहेगी। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं, यह परंजय गुहा ठाकुरता, ठीक है? और इनके अगर हम लोग जन्म की बात करें तो 5 अक्टूबर 1955 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है, यानी कि आजादी के बाद ही इनका जन्म होता है हमारे भारत में। आप लोग देखिए, कोलकाता को दिखा देता हूं, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ये है आपका कोलकाता। और आप देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अगर हम लोग पश्चिम बंगाल से लगे राज्यों की बात करें तो उड़ीसा से भी इसकी सीमा लगती है, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बात करें तो आप देखेंगे नेपाल से भी लगती है इसकी, बांग्लादेश से भी लगती है, भूटान से भी लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी 3 देशों से लगती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम लोग परंजॉय गुहा ठाकुरता की शिक्षा की बात करें तो इन्होंने शुरुआत में शिक्षा सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से ली और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी इन्होंने पढ़ाई की। और इनकी शैक्षिक योग्यता की बात करें तो अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री लिए हुए हैं, तो आप लोग एक तरह से कह सकते हैं कि अर्थशास्त्री भी हैं। और एक तरह से आप कहिए कि ऑलराउंडर है, कई क्षेत्रों में महानता हासिल किए हुए हैं। और इनके व्यवसाय की काम की बात करें तो आप देखेंगे ये लेखक भी है, एक वक्ता भी है, एंकर भी है, साक्षात्कारता भी है और शिक्षक भी है, विश्लेषक भी है, टिप्पणीकार भी है, विकासक भी है, निर्माता भी है, निर्देशक भी है और सलाहकार भी है। चुनावी विश्लेषक आप लोगों ने सुना है, तो वो भी है। और इन्होंने कई पत्रकार, कई आप देखिए न्यूज पेपरों में या चैनलों में काम किया है, बिजनेस इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड, द टेलीग्राफ, इंडिया टुडे, द पायनियर। और याद रखिए, द टेलीग्राफ अगर आप लोग पश्चिम बंगाल से होंगे तो काफी अच्छा न्यूज पेपर माना जाता है यहाँ का, ठीक है? अगर हम लोग परंजॉय गुहा ठाकुरता की अगर हम लोग सफर की बात करें तो जून 1977 में वह सहायक संपादक के रूप में कोलकाता स्थित एक पत्रिका में शामिल हुए थे। और आपको बता दूं, 1977 वही साल है जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था। और उस समय आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के बड़े वरिष्ठ पत्रकारों को, या फिर आप देखिए उस समय के कई नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया गया था। और इस समय हमारे देश में की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और आप सभी जानते होंगे कि 1975 से लेकर 77 तक हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल रहा। और आप देखिए कि इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार जाती, कांग्रेस बुरी तरह से हार जाती है, और आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी अपनी भी सीट हार जाती हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का ये परिणाम उनके सामने आया हुआ था। 1995 से लेकर 2000 सन 2001 के बीच 6 वर्षों तक टेलीविजन 18 यानी कि न्यूज 18 के साथ वो काम करते रहे। उन्होंने CNBC इंडिया टेलीविजन चैनल पर इंडिया टॉक्स नामक एक दैनिक चर्चा कार्यक्रम की एंकरिंग की। उसके बाद आप देखेंगे 2007 से लेकर 2013 के बीच उन्होंने लोकसभा टीवी, भारत की जो संसद के निचले सदन की स्वामित्व और संचालन चैनल था ना, आप लोग लोकसभा टीवी को सुनते भी रहते होंगे, इसके लिए एंकरिंग भी की उन्होंने, ठीक है? और वह भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM अहमदाबाद
इसमें लगातार 15 वर्षों के लिए, और IIM सिलांग इसमें 5 साल के लिए, और IIM कलकत्ता में 4 साल के लिए। कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में अतिथि संकार सदस्य भी रहे, इनसे भी जुड़े रहे। IIM अहमदाबाद में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम का शीर्षक मीडिया और समाज, अर्थशास्त्र, राजनीति, नैतिकता और जनसंचार की तकनीक है। यानी कि कहने का मतलब इन्होंने शिक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हुई है, और उनमें ये आप ये विषय पढ़ाते थे। इन सभी संस्थाओं से जुड़े भी रहे। उन्होंने राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञान संकार, और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में काम भी किया हुआ है। MPhil के जो छात्र होते हैं, इन्हें आपको बता दूं कि मीडिया और समाज पर एक पाठ्यक्रम भी इन्होंने पढ़ाया हुआ है, और वह 2001 से लेकर 2007 के बीच एक शैक्षणिक संस्थान स्कूल ऑफ कन्वर्जेंस के संस्थापक निदेशक भी रहे हैं। इनका एक संस्थापक सदस्य भी रहे हैं एक तरह से, ठीक है। फिर आप देखेंगे उन्होंने सन 2008 से लेकर 2011 के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य के रूप में भी काम किया। फिर आप देखिए 2016 से 2017 तक आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक के संपादक के रूप में भी इन्होंने काम किया हुआ है, अपनी सेवाएं दी हुई है। फिर आप देखेंगे 2018 में से वेब पोर्टल न्यूज क्लिक के साथ सलाहकार हो रहे हैं, और 2019 में एक काफी चर्चा में आए, सुर्खियां बटोरी इन्होंने। 2019 में गुहा ठाकुरता ने अदानी समूह, यानी कि अडानी ग्रुप, देखते हैं अब इस पर कर चोरी के बारे में एक लेख लिखा इन्होंने, और जिसके बाद अदानी पावर ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली को कानूनी नोटिस भेजा, और इसके बाद आप देखेंगे इन्हें इससे यहाँ से निकलना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है आपका इनका, ठीक है। और 2G स्पेक्ट्रम भी आप लोगों ने देखा होगा, काफी चर्चा में रहा, और एक जनहित याचिका लगाई गई थी, और इसमें कई लोग शामिल थे, जिनमें आप देखेंगे गुहा भी शामिल थे आपके, और जो मूल रूप से वकील प्रशांत वरिष्ठ हमारे देश के वकील हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे कभी टाइम मिलने पर। प्रशांत भूषण के नेतृत्व वाली सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर की गई थी, और उन्होंने इस घोटाले पर विस्तार से एक लेख लिखा था, और इस विस्तार पर पहला लेख नवंबर 2007 में द इकोनॉमिक टाइम्स में छपा था, और उस समय आप देखिए ये काफी चर्चा में रहे थे, और अभी हाल ही में आप देखिए अभी तक ये न्यूज क्लिक वेबसाइट के साथ जुड़े रहे हैं, काम करते रहे। द वायर में भी इन्हें देखा जाता रहा है, और इनके इंटरव्यू आप देखिए कई चर्चा में रहते हैं, कई बार ये सुर्खियों में बने रहते हैं। और आप लोग अगर काम करते हैं, अपना धर्म निभाते हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, तो आप लोग सुर्खियों में रहेंगे ही, और आज की शायद हो सकता है कि आपकी महानता आपके बारे में ना लिखा जा रहा हो, सच नहीं बोला जा रहा हो, लेकिन याद रखिए इतिहास में मुझे नहीं लगता कि कोई इतिहास को बदल पाता। आप सभी जानते हैं कि आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बारे में पढ़ा होगा, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। देखिए उस समय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को आतंकवादी, देशद्रोही कहा जाता था, पता नहीं इस तरह के किस किस शब्दों से नवाजा जाता था, लेकिन आज आप देखिए हम लोग उनकी सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाता था, और आपने देखा होगा कि सिंधिया घराना उस समय वफादार था अंग्रेजों का, उन्हें देशभक्त कहा जाता था, और ऐसा माना जाता है कि, और ऐसा है भी कि रानी लक्ष्मीबाई की मौत में, उन्हें मरवाने में सिंधिया घराने का ही हाथ था। और अभी अगर आप लोग इतिहास की कोई स्पेशल बुक्स उठा के देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है सिंधिया गद्दार था, समझ रहे आप लोग। तो आप देखिए उस समय भले ही आप लोग किसी की गुलामी कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन इतिहास थोड़ी माफ करेगा किसी को, इतिहास तो वही मूल्यांकन करेगा, वही आप देखेगा कि हमने क्या कर्म किए थे, हम क्या थे, क्या कर रहे थे इस समय, ठीक है। वो कहते हैं ना कि आप बोल नहीं सकते लिखिए, लेकिन बैठिए मत, कुछ कर नहीं सकते तो कुछ कम से कम लिख तो दीजिए, कुछ तो बोलिए, सही हो रहा है, गलत हो रहा है। चलिए खैर आप लोग बताइएगा, और किसी पत्रकार के बारे में बात करनी है तो उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। वैसे हमारे देश की वरिष्ठ पत्रकारों की बात हो रही है, उसकी एक सीरीज चल रही है, तो उसमें हम लोग सभी को कवर करेंगे, वो किसी भी विचारधारा के क्यों ना हो, सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव हो या विपक्ष की तरफ उनका झुकाव हो, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते रहेंगे।